दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की राजकुमारी पत्नी का अपने बॉडीगार्ड से रिश्ता था। राजकुमारी हया ने बॉडीगार्ड को अपने रिश्ते के बारे में चुप रहने के लिए करीब 12 करोड़ रुपए दिए थे। ब्रिटेन के कोर्ट में चली सुनवाई के आधार पर डेली मेल ने यह दावा किया है कि दुबई के शासक ने राजकुमारी हया को बताए बिना शरिया कानून के तहत उन्हें फरवरी 2019 में तलाक दे दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी हया का बॉडीगार्ड शादीशुदा था, लेकिन अफेयर्स की वजह से बॉडीगार्ड की शादी टूट गई। राजकुमारी हया दुबई छोड़ चुकी हैं और कई साल से ब्रिटेन में रह रही हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर राजकुमारी हया ने ब्रिटेन की अदालत में मुकदमा किया था और हया के पक्ष में फैसला आया था। राजकुमारी हया अपने बॉडीगार्ड को काफी महंगे गिफ्ट दिया करती थी, जिनमें 12 लाख की घड़ी और 50 लाख की बंदूक जैसी चीजें शामिल थी। राजकुमारी हया दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की छठी और सबसे कम उम्र की पत्नी रही थी। समझा जा रहा है कि अफेयर 2016 में शुरू हुआ था और तभी वो बॉडीगार्ड राजकुमारी हया के लिए पूरी तरह काम करने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक 46 साल की राजकुमारी हया के ब्रिटेन के 37 साल के बॉडीगार्ड रसेल फॉलोवर्स के साथ अफेयर्स करीब 2 साल तक चला। ये भी कहा जा रहा है कि राजकुमारी हया ने 3 अन्य बॉडीगार्ड को भी रसेल के साथ अपने रिश्ते पर चुप रहने के लिए करोड़ों रुपए दिए। राजकुमारी हया 2018 में दुबई से भाग गई थी और अब लंदन में रहती। वो 2 बच्चों की माँ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब बॉडीगार्ड रसेल फॉलोवर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं समझा जा रहा है कि राजकुमारी हया भी रसेल के साथ अपने अफेयर से जुड़े कुछ दावों का खंडन करती है।